नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमितोपीडिया, हमारे इस YouTube चैनल को, जिसमें ये अपना एक सीरीज नया स्टार्ट हुआ है, जिसमें मेरा कोशिश है कि उन सारे सामाजिक मुद्दों को मैं उठा सकूं इस चैनल के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से, जो हमें और आपको जानना बहुत ही अधिक जरूरी है। तो इस सोशल मुद्दे वाले एपिसोड का पहला जो आज का ये एपिसोड है, पहला जो हमारा मुद्दा है वो है वक्सवाहा फॉरेस्ट, वक्सवाहा जंगल से रिलेटेड। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या हो रहा है कि आहुति दिया जा रहा है, आहुति बलि, 2,15,000 पेड़ों का बलि, 8,000 से अधिक जनजातियों का बलि, हमारे पर्यावरण का बलि, 2-3 नेशनल पार्क का बलि। क्यों क्यों ये आहुति दिया जा रहा है? पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये जो हमारा बक्सवाहा है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जंगल, जहां पर ये दावा किया गया है कि यहां पर डायमंड माइंस है, यानी हीरो की खान है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी हीरो की खान होने वाली है, जहां पर 34 मिलियन कैरेट के रफ डायमंड मिलने का अनुमान जताया गया है। लेकिन इन सबों के लिए 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे और 8,000 से भी अधिक ट्राइब्स जो कि वहां पर रह रहे हैं, उन्हें वहां से बेघर होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पूरे इकोसिस्टम को हानि पहुंचने वाला है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि इस बक्सवाहा में जो जंगल काटे जाएंगे, यानी बक्सवाहा पूरे फॉरेस्ट का जितने एरिया को काटा जाएगा, वो बक्सवाहा रेन फॉरेस्ट का 1/10 है, जिससे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सवाल है कि ये शुरू कहां से हुआ। मैं आपको शुरुआत से ले चलता हूं, मैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी समस्या वर्तमान में एकाएक शुरू नहीं होता, उसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहास जिम्मेदार होता है। और इस कहानी के पीछे का जो इतिहास जो जिम्मेदार है वो है 2004 में रियो टिंटो नाम से एक कंपनी आती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक डायमंड कंपनी थी, डायमंड माइनिंग कंपनी। वो बोलती है कि इस एरिया में डायमंड डिपॉजिट होने का संभावना है और काफी अधिक गहरा संभावना है। तो उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट का नाम रखा गया बंदर, क्योंकि यहां पर बंदर बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसलिए फिर इसी क्रम में वो काम करते रहे। 2010 का वक्त आ गया काम करते करते, अक्टूबर 2010, जहां पर इस रियो टिंटो ने स्टेट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के तहत जो भी इस डायमंड माइन से प्रॉफिट होगा उसका 90% ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो लेते जाएगी, 10% मध्य प्रदेश सरकार को मिलना था। उसके बाद ये क्लीन चिट मिला इस जंगल को कि 954 हेक्टेयर का क्लियरेंस इस कंपनी को मिल गया रियो टिंटो को। और उस वक्त एस्टिमेट लगाया गया था कि 500,000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन केवल 500,000 पेड़ नहीं, साथ ही साथ वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व वो भी खत्म हो जाना था, नेशनल टाइगर रिजर्व वो भी खत्म हो जाना था, वहां पर केन नदी बहती है जहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं, उनका आवास छिन जाना था और नेचुरल रिजर्व अपना डिस्टर्ब होगा ही होगा यहां पर। तो इसके वजह में क्या हुआ, इसके हर काम के प्रति, आपको पता, हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उसी के तहत यहां पर कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, कुछ प्रोटेस्ट, कुछ लिगिटमेसी की वजह से क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट बंद होने के कगार में आ गया। 2016 तक का दौर पहुंच गया, कुछ नहीं हो पाया इसमें। फिर क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट को रुकवाने में अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो सबसे पहला यहां पर नाम आएगा सैला मसूद का। सैला मसूद एक एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट रही थी, वो 2011 में एक लेटर लिखी मध्य प्रदेश सीएम को, यानी मध्य प्रदेश की सरकार को, साथ ही साथ होम मिनिस्टर को, और एक रिटेन कंप्लेन भी फाइल कर दी, जिसके जवाब में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर सवाल खड़ा कर दी कि ये रूल वायलेशन क्यों हो रहा है, क्यों यहां पर नेचुरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को दरकिनार किया जा रहा है। ये सैला जो है, सैला मसूद, ये कोई ऐसा नहीं कि केवल इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट, ये साथ ही साथ आपको मैं बता दे रहा हूं, ये सैला मसूद जो थे वो सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे, अन्ना हजारे के एंटी करप्शन वाले कैंपेन में ये भी शामिल थे।
अब क्या होता है कि ये साथ ही साथ आरटीआई एक्टिविटीज भी थी, तो ये काम कर रही थी। लेकिन इस काम के दौरान भारतीय राजनीति का, या ना जाने किस चीज का, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं ना जाने कैसे, लेकिन 2011 में, 16 अगस्त 2011 को ये आरटीआई का एक आरटीआई फाइल की हुई थी, उसी का रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए जा रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे पहुंचे और वहीं पर इनकी हत्या कर देते हैं। बवाल हो गया बड़ा भाई, इतनी पॉपुलर हस्ती है, हत्या हो गया कैसे भी सड़क पर। तो इस पर बहुत वाद प्रतिवाद होने लगा, गवर्नमेंट ने कुछ खास नजर इस पर नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये डील कर बोल दिया गया, सैला मंसूर पर ये आरोप लगा दिया गया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद की वजह से उनकी जान गई है। तो पुलिस से केस संभाल नहीं रहा था, जनता का आक्रोश बढ़ा कर रहा था। अब सीबीआई के पास केस चल गया। सीबीआई काफी छानबीन जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर आती है कि ये लव ट्रायंगल का मामला है, लव ट्रायंगल की वजह से सैला मसूद का हत्या हुआ है। अब ये तो बोल के निकल लिए, लेकिन और भी लोग थे जो इस रियो टिंटो के पीछे, इस डायमंड माइंस के विरोध में लगे हुए थे, जैसे वाल्मीकि थापड़ थे, एक एनजीओ पहल नाम से थी, ये सभी इस मूवमेंट को जारी रखे, और जिसके वजह से मार्च 2016 में फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट आता है। ये रिपोर्ट बोलता है कि ये एक इनवायलेंट एरिया है, इनवायलेंट एरिया, यहां पर इनवायलेंट एरिया मतलब ये रिच फॉरेस्ट एरिया है, यहां पर आप कोई भी काट छाट नहीं कर सकते, जंगल का कटाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ पनामा टाइगर रिजर्व है, साथ ही साथ और भी टाइगर रिजर्व का यहां पर बात किया गया, नेचुरल रिजर्व का बात कर दिया गया। तो काम थोड़ा सा रुका, और रुका तो ऐसा रुका कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट तो हो गया, तो रियो टिंटो क्या करे यार, बहुत पैसा वो खर्च कर चुकी थी। तो अगस्त 2016 में रियो टिंटो गिव अप कर देती है, लास्ट में बोलती है कि हम सारे अपने इन्वेस्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट से। फिर एक दो बार वो ट्राई की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एकदम से रिजेक्ट तो रिजेक्ट ही कर दी। फिर होता है क्या कि फरवरी 2017 आते आते ये कंपनी कंप्लीटली सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके निकल जाती है। अब नॉर्मल स्थिति चल रहा था, यानी कि हैप्पी एंडिंग, टाटा बाय बाय कर दिए कंपनी को 2017 आते आते हैं। लेकिन फिर आया 2018 का दौर, इलेक्शन हुआ, नई सरकार बनी, और वो ऑक्शन स्टार्ट कर दी इसका, बोली कि नहीं ऑक्शन होगा। और वो ऑक्शन होते होते 2019 आया, और 2019 में 382 382 हेक्टेयर इस जंगल का अलॉट कर दिया गया इस कंपनी को। आपको यकीन नहीं होगा, इस 382 हेक्टेयर में मात्र 62 हेक्टेयर में ही ऑक्शन होना है, बाकी का सारा जो जमीन है वो डंपिंग यार्ड होगा, जहां पर डंप किया जाएगा सारा माल को। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा समस्या क्या है, पानी, पानी बहुत बड़ा समस्या है। ये जो बक्सवाहा है, यहां पर पानी का बहुत कमी है, इसको सेमी क्रिटिकल एरिया घोषित कर दिया गया है। तो अब डायमंड माइन बनना भाई, उसे पानी बहुत चाहिए होता है। एक अनुमान बताता है कि इसे पर डे 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लगेगा। तो ये पानी आए कहाँ से, उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, और ये जो डैम बनेगा उसके वजह से दूसरे जो एरिया है आसपास के, वहां पर पानी का समस्या होना शुरू हो जाना है। दूसरा समस्या, अगर इसका इंपैक्ट देखें, निगेटिव पॉजिटिव देखो दोनों है बंधु, निगेटिव इंपैक्ट देखें अगर, तो लोकल्स के साथ समस्या है, ट्राइबल्स का पूरा रहना खाना बर्बाद हो जाना है, इन्वायरमेंट बर्बाद होना है, मानव को अंततः नुकसान पहुंचना है। पॉजिटिव इंपैक्ट, जैसा कि सरकार बोलती है कि जॉब जनरेट हुआ, लेकिन किस टाइप का जॉब, वो खान की खुदाई करने वाले जॉब, जहां पर एक मामूली सा वेजेस दिया जाएगा। दूसरा, सरकार का ऐसा कहना है कि पर ईयर 1500 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा यहां से। बात सही है, सारा चीज हम लोग समझ रहे हैं कि ये सही है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, और नुकसान बहुत अधिक हमें दिख रहे हैं। ये मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। बात सवाल है कि डायमंड के पीछे हम क्यों पड़े हैं, डायमंड का क्या मोल, आपको पता होगा अगर आप गोल्ड खरीदते हो, बेचने जाते हो, तो रिसेल वैल्यू मिलता है, लेकिन डायमंड का कोई रिसेल नहीं होता है। तो जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं, उसके पीछे सरकार इतना कुछ बर्बाद करने को तैयार है। ये पूरा जंगल, अभी आपको कोरोना काल में पता चल चुका है कि हमारे लिए, हमारा शरीर, हमारे जीवन से बड़ा हीरा कुछ नहीं है। तो सवाल है, ये डायमंड क्यों इतना डिमांड में,
लोग पसंद करते हैं। आप देखते हैं मूवी में बोला जाता है डायमंड है तभी प्यार है, है ना, एड आता है डायमंड का। बहुत सारे मूवी में देखते होंगे कि स्मगलर होते हैं, डायमंड का स्मगलिंग करते हैं। तो डायमंड इतना क्यों डिमांड में है? यह स्कैम है बाबू, पूरे से स्कैम। देखो डायमंड का कोई रिसेल वैल्यू तो होता नहीं, इनफैक्ट ऐसा है कि 700 डिग्री के टेम्परेचर पर आप गर्म कर दो तो ये कार्बन में बदल जाएगा ये डायमंड। ये लोगों में जरूरत पैदा कर दिया कि आप अपने आप से पूछो ना डायमंड का क्या जरूरत है आपको। आप गोल्ड है आपके पास, बेचोगे रिसेल वैल्यू पैसा आ जाएगा, डायमंड में तो वो भी नहीं आना है। गया सो गया, आना तो कुछ नहीं है। तो क्यों डायमंड के पीछे हम लोग परेशान है? क्योंकि ऐसा मार्केटिंग किया गया, पूरे से स्कैम है ये। तो इस स्कैम का भी जवाब है अपने पास। जवाब क्या है कि लेब में बने हुए डायमंड का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखने में तो सेम है, मेनली आपको दिखाना ही है, ऑफ ही ना करना है। तो क्या जरूरत है कि इतने सारे पेड़ को कटवा दिया जाए? ये पेड़ को कटवा करके यानी एक्चुअल हीरे को खो करके आप उस आर्टिफिशियल हीरे के पीछे जा रहे हैं। कार्बन अल्टीमेटली तो कार्बन है, कोयला भी कार्बन, वो भी कार्बन, कार्बन ही है। तो कुल मिलाकर आप व्हाइट कोयले के पीछे जा रहे हो, इतना सारा हीरा समाप्त करके, बर्बाद करके। देखो कहते ना कि जो जरूरत है ना उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन लालच को भी पूरा नहीं किया जा सकता। देयर्स इज अ सॉल्यूशन फॉर नीड बट देयर्स इज नॉट एनी सॉल्यूशन फॉर ग्रीड। समझे, लालच का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और यहां पर लालच ही हमें दिखता है। तो सवाल है कि अगर गवर्नमेंट को यह काम करना ही है तो और एक सुझाव है जो मैं अपने साइड से देना चाहूंगा, क्यों ना ऐसा हो कि ना पहले हम जंगल लगवा दें। सरकार बोलती है कि हम 4 से 10 लाख के करीब जंगल पेड़ लगवाएंगे, इसके बदले में लगवाएंगे, ये जो फ्यूचर टेंस है इसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले जंगल लगवा देते हैं, 2-3 सालों में डायमंड का तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, डायमंड का रेट गिरने वाला है, इनफैक्ट बढ़ने ही वाला है, 2-3 सालों में तो और फायदा हो जाएगा। तो पहले जंगल लगवा देते हैं उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को यही बताना चाहूंगा कि आप सबों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, और ये एक तरीके से इतने सारे पेड़ों को कटवा देना, समझ लो ऑक्सीजन के बहुत सारे सपोर्टिव पॉइंट को ख़त्म कर देना। अर्थ का इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल सिस्टम कैसा हो चुका है हम सबों का, आप सबों को पता है कि ना दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और वो बहुत ही खतरे का निशानी है। करोड़ों पैसे आ जाएं अपने पास लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ हो ही ना, लोग ही ना बचे, आप ही ना बचे, तो उस पैसे का आप क्या करोगे? पैसा ज़्यादा जरूरी है या जीवन ज़्यादा जरूरी है? सोचिएगा जरूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।